नमस्कार जी, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आज कोई न्यूज़ आई थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और इंडियन सरकार ने जो भी फैसले के जो भी न्यूज़ आई थी, ठीक है, काफ़ी इफेक्ट गिरा यहाँ पे। जैसे कि इंडियन कोई भी इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर USDT की बात करते हैं तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि 80 रुपये से USDT आ गया तुम्हारा 70 रुपये, यानी कि 10 रुपीज़ कम से कम 10 रुपये कम हो गए। ठीक है, एक USDT के पीछे 10 रुपये, यानी कि 10,000 USDT के पीछे कितने रुपए कम हुए, अभी आप अंदाज लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी क्रिप्टो करेंसी थी, जैसे कि WRX कॉइन है जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अभी 80 रुपये के आसपास चल रहा है डायरेक्ट, यानी कि 100 रुपये से 80 रुपये। ठीक है, तो जितना भी इफेक्ट गिरा है, जैसे कि विन के ऊपर देख लेते हैं, तो विन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे कम हो चुका है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज है जो लोचा कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है, समथिंग 26 तारीख को यहाँ पे जो सदन में पेश करेंगे ये लोग। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं अगर अदर एक्सचेंज की, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी इफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे अगर विन की बात करता हूँ, तो विन अभी यहाँ पे लगभग लगभग मान के चलिए काफ़ी हद तक ऊपर है। और अगर हम यही विन अगर इंडियन करेंसी की अगर बात करते हैं, तो या आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं इसको चेंज करता हूँ, लगभग लगभग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे विन सर्च किया, 75। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, लगभग लगभग 75। टाइम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 74, 72, और यहाँ पे 80, मतलब काफ़ी डिफरेंस चल रहा है, काफ़ी डिफरेंस, जो ये लोग बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है अच्छी सी, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें लोगों को ये लगे कि अपने को यहाँ पे सेल करना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया टुडे जो इनका NDTV का जो है ब्लॉग है, यानी कि इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे खुद ये क्रिप्टो करेंसी के प्रचार कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ दिखा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का ऐड दे रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। परंतु लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि हम लॉस में हो जाएंगे, हम हमारा ये हो जाएगा। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप सेल मत करिए। ठीक है, सेल करने से कोई किसी का जो प्रॉफिट है ना ही आएगा ना जाने वाला है, ओनली आपका लॉस होगा। ठीक है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाने का जो संसद है में जो बिल पास होने वाला है, आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि समथिंग 26 तारीख को यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन यहाँ पे आएगा इंडिया में। ठीक है, परंतु ऐसा अगर कोई बैन का कोई इश्यू आता है कभी, अगर कोई इंडिया में कोई क्रिप्टो करेंसी अगर पूरी तरह से बैन होती है, तो अपने को यहाँ से निकलने का भी चांस मिलेगा कि भाई साहब इतने दिनों में आपकी जो क्रिप्टो करेंसी कोई अदर एक्सचेंज पे सेल करके आपका जो प्रॉफिट आप लेके यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तो ये सब चांस मिलते हैं, परंतु बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि सेल करने में लूटे हुए हैं डर के मारे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी का हम जो सिस्टम है, समथिंग 23 नवंबर को गुटन टू के विधेयक को लाने के पीछे दो मकसद हैं। इस बिल में कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर भारत में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शामिल है। ठीक है, तो ये ओनली न्यूज़ है, अभी कोई रियल नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, तो भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है आप करिए, परंतु मेरे हिसाब से आप सेल करके यहाँ से आप यहाँ से बाय करिए, डिप में कोई चीज़ बाय करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वीडियो चल गया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नरिए नहीं, क्योंकि अपने को मौका मिलेगा सेल करने का, क्योंकि अगर बैन होता है तो ये लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप सोचिए। अभी बहुत सारे क्रिकेट की चैनल पे कोइन DCX का प्रचार हुआ था, अभी यहाँ पे देखिए आप बड़े बड़े अक्षरों में दिया है कि भाई साहब आप यहाँ पे ले लीजिए, आप अगर कोई TV देखते हैं तो वहाँ पे कोइन DCX, कोइन स्विच, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रचार चल रहे हैं। ठीक है,
तो डरने वाली ऐसी कोई इश्यू नहीं है, आप डरिए नहीं, क्योंकि किसी को भी कुछ भी लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला। मेरे को नहीं लगता लॉस होगा, बाकी देखो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। हेलो।